हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में कुछ विशेषताओं युक्त पौधों की। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस, जिसे सफेदा भी कहते हैं। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा लेमना। ठीक है, क्या हुआ? लेमना। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा लेक लेक सेक्यूया जाइगेंटिया। ठीक है, क्या हुआ? सेक्यूया जाइगेंटिया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा जामिया पिग्मिया। ठीक है, सबसे छोटा ब्रायोफाइट जूओप्सिस, क्या हुआ? जूओप्सिस। और सबसे बड़ा ब्रायोफाइट, ठीक है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डाउसोनिया, क्या हुआ? डाउसोनिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे छोटा टेरिडोफाइट, ठीक है, क्या हुआ? एजोला। ठीक है, अच्छा, ये ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट वगैरह जो भी टर्म है, अगर आपको इसको जानना है तो कमेंट करिए, मैं इस पे फिर आपको अच्छे से वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? आफियोग्लोसम। क्या है? आफियोग्लोसम। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हेप्लापेपस ग्रेसिलिस। ठीक है, हेप्लापेपस ग्रेसिलिस। जड़ विहीन एंजियोस्पर्म, ठीक है, कौन सा है? एल्ड्रोवेंडा। एल्ड्रोवेंडा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे कठोर कास्ट है, इसकी लकड़ी सबसे हार्ड होती है, क्या है? हार्ड विकिया बाइनेटा। ठीक है, हार्ड विकिया बाइनेटा। और सबसे हल्की लकड़ी किसकी होती है? ओक्रोमो लागोदस बल्सन। ठीक है, ओक्रोमो लागोदस बल्सन। ठीक, अजीब अजीब नाम है यार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्ररोह रहित पादप, सॉरी, प्ररोह रहित पादप कौन सा है? राइजोफोरा। ठीक है, सबसे लंबी जड़ वाला पौधा कौन सा है? एडन सोनिया डिजिटेटा। ठीक है, सोनिया गांधी नहीं भाई, एडन सोनिया डिजिटेटा। ठीक है, आप लोग मजाक बहुत करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे अधिक आयु वाला पौधा पीयू रेमांडी, पूयू रेमांडी। ठीक है भैया, ये सबसे ज्यादा जीने वाला पौधा है, कछुए से भी ज्यादा। अच्छा, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे बड़ा आर्किड ग्रामेटोफाइलम स्पेसियोसम। ठीक है, ग्रामेटोफाइलम स्पेसियोसम। सबसे बड़ा आर्किड पुष्प फ्रेमीपीडियम कार्डेटम। सबसे बड़ा आर्किड पुष्प कौन सा है? फ्रेमीपीडियम कार्डेटम। ठीक है, सबसे बड़ी पत्ती, अरे भाई सबसे बड़ी पत्ती, वाव, कौन सा भैया? विक्टोरिया अमेजोनिका। ओहो, नाम से ही लग रहा है खतरनाक। क्यों भैया? देखिए, इसमें एक शब्द है विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी, उनका नाम, और दूसरा है अमेजोनिका यानी अमेजन नदी। भाई ये कॉम्बिनेशन तो होगा ही सबसे बड़ा, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया अमेजोनिका। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ा पुष्प रफलेसिया आर्नोडाई। ठीक है, या इसको कहते हैं रफलेसिया आर्नल्डाई, जैसा भी लोग प्रोनाउंसिएशन करें। ठीक है, ऐसा बहुत बदबू मारता है, बहुत भयानक। खैर, बड़ा है तो नाम लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है सबसे छोटा पादप पुष्प वोल्फिया। अच्छा, आपने वोल्फिया नहीं देखा होगा तो देखिए, ये है फोटो इसकी। ठीक है, सबसे बड़ा बीज लोडोकिया। भाई साहब, ये तो मैंने भी नहीं देखा आपके साथ, आज मैं भी पहली बार देख रहा हूँ लोडोकिया को। सबसे बड़ा फल लोडोकिया, जाहिर सी बात भाई, सबसे बड़ा फल होगा उसी में सबसे बड़ा बीज भी होगा, कमाल है।
क्या पांडे जी अभी कमाल करते हैं। अच्छा अब बात करें सबसे विशाल कैक्टस। अच्छा इसमें भी वैरायटियां हैं, क्या बात है। ठीक है तो कौन सा कैक्टस भैया सबसे बड़ा? सेरियस जाइंट टीटस। सेरियस जाइंट टीटस, अजीब अजीब नाम रखते हैं लोग भाई, सीधा सीधा क्यों नहीं रखते राम श्याम घन श्याम। खैर बात करते हैं सबसे छोटा बीज किसका होता है भैया? आर्किड का होता है। सबसे सूक्ष्म पादप बीज आर्किड ही होगा भैया। सबसे छोटी पादप कोशिका यानी पौधे की सबसे सबसे छोटी कोशिका पौध सेल में कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है प्लांट सेल में सबसे छोटी कौन सी प्लांट सेल है? माइकोप्लाज्मा की। अच्छा सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ठीक है कौन सा है? ट्रिलियम भैया, नाम है ट्रिलियम, ट्रिलियन ट्रिलियम भाई, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। ठीक है उसी हिसाब से नाम भी इसका ट्रिलियस सॉरी ट्रिलियम, तो सबसे बड़ा तो होगा ही होगा, किसी नाम रखा तो सोच समझ के ही रखा होगा। अच्छा अब बात करते हैं सबसे बड़ा पादप अंड किसका है भैया? साइकस। अच्छा सबसे बड़ा उमंग ये भी साइकस का ही होगा। ठीक है सबसे छोटा क्रोमोसोम किसका होता है भैया? शैवाल का। यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल की हो रही, इसलिए इसको कंपेयर मत करिए एनिमल सेल से। ठीक है तो सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल का, ठीक, और सबसे बड़ा बीजांड साइकस बाबू, अभी आपने पढ़ा। ठीक है तो अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, हमारा भी हौसला अफजाई करिए और इस चैनल को जो है बढ़ाइए, क्योंकि ये हमारा नहीं ये आप लोगों का चैनल है, और जितना ही इसे आप प्यार देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट हम लेके आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।